हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाकी जितनी भी आपकी कक्षाएं हैं, मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स और इंग्लिश, वो कंटिन्यू चल रही है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का पहला जो चैप्टर है, क्या नाम है? आवृतबीजी पादप में जनन। क्या है? आवृतबीजी पादप में जनन। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी कि ये आवृतबीजी पादप क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है आर एच वी टेकर। क्या नाम है? आर एच वी टेकर। इन्होंने जितने भी जीव हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जीव जगत को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 5 जो भाग है, देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमें जो इसमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्लांटी को, इसका हमें अध्ययन करना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होंगे वो इसी में आएंगे। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इनमें किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम मोनेरा की। तो मोनेरा के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? तो देखिए, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की एक स्पेशल क्लास लगा रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे अध्ययन विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं उसका। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होंगे और यूकैरियोटिक जीव कौन से होंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है, और हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें प्रत्येक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या करता है? इस कोशिका की जितनी भी उपापचय क्रियाएं होंगी उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो देखिए, जो जो केंद्रक होता है, और केंद्रक हम जानते हैं कि जब केंद्रक की संरचना हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्रक में, केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त आबद्ध होता है, यानी इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है इस तरह से। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जो जीव है उनकी जो कोशिकाएं होंगी उसमें इस केंद्रक के चारों ओर जो कोई जो केंद्रक है उसमें चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी। यानी अगर इसमें झिल्ली नहीं है, केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं है, तो इसका जो केंद्रक द्रव्य होगा वो कहाँ आ जाएगा? कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। यानी ये कोशिका द्रव्य में इसका केंद्रक द्रव्य का जितना भी पदार्थ होगा, चाहे वो क्रोमोजोम हो, केंद्रिका, केंद्रिका तो खैर इसमें उपस्थित होती नहीं है, लेकिन जितना भी क्रोमोजोम है, केंद्रक द्रव्य है, वो सारा का कहाँ आ जाएगा? कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाएगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन जो है केंद्रक पाया जाता है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका केंद्रक जो होगा वो उपस्थित होगा। अगर दोहरी झिल्ली इसमें उपस्थित है, इसका मतलब ये है कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जितना भी केंद्रक द्रव्य है वो उसी में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सामान्य सा अंतर है जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोनेरा के अंदर जो जीव है उसमें जो उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा? सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होगा। अभी हमने बात की कि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और केंद्रक झिल्ली के अलावा जो जितने भी झिल्ली आबद्ध जो कोशिकांग होंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, है ना, तो जितने भी झिल्ली आबद्ध जो कोशिकांग होंगे वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें सुसंगठित केंद्रक जो है वो भी अनुपस्थित रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो जीव होते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषम पोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी का अर्थ है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हों, यानी वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाएंगे। और ऐसे जीव किस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो देखिए, एक क्रिया है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, जो छोटी कक्षाओं में हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कि जो जीव है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है उसकी क्रिया द्वारा, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट है, ये विषम पोषी भी होते हैं, यानी विषम पोषी का अर्थ है कि ये दूसरों पर, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषम पोषी भी, दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें जो जनन होता है, जनन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जो जनन होता है इनके अंदर वो होता है संयुग्मन द्वारा। किसके द्वारा होता है? संयुग्मन द्वारा। यानी संयुग्मन ऐसी क्रिया है जिसमें 2 केंद्रक जो है वो आपस में फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे और उससे जो है एक नया जीव बनेगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जो नील हर जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा।
इसमें किस प्रकार के जीव होते हैं? तो देखिए प्रोटिस्टा जो है उसमें एक कोशिकीय, यानी कि ये जीव जो होंगे सिर्फ एक कोशिका के बने होंगे। यदि ये एक कोशिका के हैं इसका मतलब है कि वो बहुत ही सूक्ष्म होंगे, बहुत ही छोटे होंगे और उन्हें हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते, यानी कि उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। तो एक कोशिकीय होते हैं और किस प्रकार के होते हैं ये यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक अभी अभी हमने देखा कि यूकैरियोटिक कौन से होंगे जिनमें झिल्ली आवृत कोशिकांग भी उपस्थित होंगे और झिल्ली जो है वो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाएगी, यानी सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होगा। हमने नेक्स्ट अभी बात की कि इसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होगा। नेक्स्ट झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे के सारे झिल्ली आवृत कोशिकांग है तो ये इसमें उपस्थित होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जो कि हमारा नेक्स्ट इसके बाद यही पढ़ने वाले हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इनमें दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की या उदाहरण की बात की जाए तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटिस्टा के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई कि इसमें किस प्रकार के जीव होते हैं। तो देखिए फंजाई के अंदर होंगे विषम कोशी यूकैरियोटिक, यानी कि ये पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करेंगे, दूसरे जीवों से अपना पोषण लेंगे, भोजन जो है वो दूसरे जीवों से लेंगे। जिस प्रकार हम मनुष्य जो है वो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन खुद ही खाना बना रहे, हम खाना पकाते हैं, जैसे कि दाल है, कोई भी सब्जी है, तो हम उसे पका रहे हैं, हम उसे घर पे बना नहीं रहे। तो ये विषम पोषी होंगे, यानी कि ये दूसरों से अपना भोजन लेंगे, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, यूकैरियोटिक होंगे। अब हमने यूकैरियोटिक की क्या परिभाषा पढ़ी कि भाई इसमें झिल्ली आवृत कोशिकांग पाए जाएंगे, केंद्रक जो है वो भी झिल्ली युक्त होगा, तो यूकैरियोटिक होंगे। नेक्स्ट है इसकी जो कोशिका भित्ति, यानी इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए ये जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इनके लिए भी हमने एक क्लास लगाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान की जो क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका जो सेल होती है, जो कोशिका होती है उसके कोशिका जो कोशिका होती है उसमें चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बाहर अगर एक और आवरण होता है, एक कठोर आवरण होता है, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सामान्य जाता है प्लांट्स में, यानी पेड़ पौधों में ये पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति उपस्थित होगी और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कायिक जनन, कायिक जनन जो कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल से कि कायिक जनन क्या होता है। तो इनमें कायिक जनन होगा विखंडन और मुकुलन द्वारा। देखिए विखंडन क्या होता है, खंडन, खंडन यानी होता है टूटना, यानी अगर कोई जीव है वो टूट कर दो जीवों में बदल रहा है, यानी एक जीव से दो जीव बन गए, टूट कर दो जीवों में बदल गया, उसे कहते हैं विखंडन। और मुकुलन जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि जो अमीबा होता है उसके अंदर मुकुलन होता है, उसमें बडिंग निकलती है, जैसे कि ये कोई जीव है तो उसके वहां उसके शरीर से एक बडिंग निकलेगी, एक मुकुल निकलेगा और वो मुकुल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और इस जनक से, यानी कि जनक से जो है वो अलग होकर एक बड़ा सा जीव, नया जीव बना लेता है। तो इसमें मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट इसमें अलैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन जो किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन भी इसमें पाया जाता है और वो होता है एस्को बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा, एस्को बीजाणु द्वारा। तो ये हमने पढ़ा फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े हमने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटी, जो कि हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांटी है वो उसमें किस प्रकार के जीव आएंगे। और इसी प्लांटी में आएगा हमारा आवृत बीजी, यानी एंजियोस्पर्म, जो कि हमारा लेसन का ही नाम है आवृत बीजी। तो देखिए जो प्लांटी है उसमें किस प्रकार के जीव होंगे, तो इसमें होंगे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। सबसे पहले बात करते हैं बहुकोशिकीय क्या होता है। देखिए जीव जो है वो संख्या के आधार पर, यानी कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक कोशिकीय जीव, और ऐसे जीव जो हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो इस प्लांटी के अंदर क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव आएंगे और यूकैरियोटिक, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी कि प्लांटी के अंदर जितने भी जीव आएंगे उनमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभी हमने बात की थी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्या क्रिया होती है, कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल
और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होंगे या जो जीव होंगे वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो कि किसमें हो रही है, प्लांटी के अंदर होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं। तो अगर ये अपना स्वयं भोजन बना रहे हैं तो ये किस प्रकार के जीव हो गए, ये स्वपोषी जीव हो गए, जो स्वयं का भोजन जो है वो खुद बनाएंगे, स्वपोषी जीव हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति इसके अंदर उपस्थित होती है, सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो इनके अंदर क्या होगी, कोशिका भित्ति, हमने पढ़ा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर उपस्थित होती है, जो सामान्यतः पेड़ पौधों में पाई जाती है, प्लांट्स में उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संवहन ऊतक जो है इनमें उपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। अब ये जाइलम क्या होता है और ये फ्लोएम क्या होता है, हम सामान्यतः हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे उनमें भूमिगत भाग में जड़ें पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो पानी होता है, हम पानी पिलाते हैं, जड़ों को पानी देते हैं, तो ये जड़ों से पानी जो है वो पेड़ पौधे के अन्य भाग तक यानी सभी भागों तक पहुंचता है। लेकिन ये किस संरचना द्वारा पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है, यानी जड़ से पौधे के अन्य भागों तक, सभी भागों तक जो जल को ले जाने का कार्य करते हैं वो जाइलम करते हैं। और फ्लोएम क्या करता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है, उस भोजन को फिर वापस पौधे के सभी भागों तक ले जाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। यानी हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, संवहन ऊतक उपस्थित है और जितने भी पेड़ पौधे हो जाएंगे वो सभी प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेलिया। देखिए नाम से पता चल रहा है एनिमेलिया जो एनिमल से बनाया, एनिमल यानी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु होंगे पेड़, जितने भी पृथ्वी पर वो सभी इसमें आ जाएंगे। इसमें किस प्रकार के जीव होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। हमने बात की कि जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं, तो ये बहुकोशिकीय जीव होंगे। यूकैरियोटिक होंगे यानी कि इनका जो केंद्रक होगा दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक होगा और झिल्ली युक्त जो है उसमें कोशिकांग पाए जाएंगे। नेक्स्ट ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए ये डिपेंड करेंगे, दूसरे जो जीव होंगे उनसे भोजन लेंगे। कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है, क्योंकि इनकी कोशिका जो होती है उसमें केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाएगी। तो ये बात की हमने एनिमेलिया की। तो इस प्रकार से जो आर एच विटेकर हैं उन्होंने पंच जगत संकल्पना दी। अब हम बात करेंगे केवल और केवल प्लांटी के बारे में कि प्लांटी जो है उसको आगे जाकर किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, प्लांटी को पढ़ते हैं हम, प्लांटी क्या है। देखिए प्लांटी को जो है वनस्पति जगत के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति जगत भी कहा जाता है। प्लांटी जो है प्लांट से बना है, प्लांट का अर्थ क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना प्लांट यानी पेड़ पौधे, यानी हमें इसमें जितने भी पढ़ना है वो पेड़ पौधों को भी पढ़ना है, जीव जंतुओं को नहीं पढ़ना है। देखिए वनस्पति जगत के अगर जनक की बात की जाए कि वनस्पति जगत के जनक कौन है, तो क्या बताओगे आप, थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। और जंतु जगत के कौन है, अरस्तु है, हम सब जानते हैं ये। देखिए प्लांटी जो जगत है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है अपुष्पोद्भिद या बीज रहित पादप और दूसरा है बीजधारी या पुष्पोद्भिद। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अपुष्पोद्भिद पुष्प यानी फूल जिसे हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं और अ यानी कि उसमें नहीं पाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अपुष्पोद्भिद पादप कहलाते हैं। नेक्स्ट बीज रहित, बीज यानी रहित का मतलब है कि उसके बिना, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, बीज रहित पादप या अपुष्पोद्भिद पादप। हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांटी है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बीजधारी या पुष्पोद्भिद, बीजधारी का अर्थ है कि ऐसे पौधे जिनमें बीज बनेंगे और बीज बनेंगे तो उसमें क्या बनेंगे, पुष्प भी बनेंगे, फूल भी बनेंगे उसमें। अपुष्पोद्भिद पादप को वापस तीन भागों में बांटा गया है, पहला है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमें पढ़ना है सिर्फ आवृतबीजी पादप, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि थेलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या है। देखिए जो थेलोफाइटा है उसमें एक मुख्य संरचना आती है, हम शब्द पढ़ते हैं थैलस। थैलस क्या होता है ये थैलस, देखिए हम सामान्यतः हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो उसकी संरचना है उसमें क्या क्या होता है, उसमें जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती है। लेकिन थैलस ऐसी संरचना है
जिसमें हम जो पौधा है उसमें हम विभेदित नहीं कर सकते। किसको विभेदित नहीं कर सकते? उसमें हम ये नहीं देख सकते कि इसका जड़ कहाँ है, इसकी पौधा इसकी इसका जो है तना कहाँ है, इसकी पत्तियां कहाँ हैं। उदाहरण लेते हैं हम शैवाल का। शैवाल जिसे हमारे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? कांजी, जो कि वो जल के ऊपर तैरती रहती है हरी हरी। शैवाल को जब हम देखते हैं तो देखिए ये भी प्लांट में ही आता है, लेकिन उसमें हम देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि इसका जड़ कहाँ है, इसका तना कहाँ है और इसका जो पौधा पौधा है जो शैवाल है उसमें जड़ तना और पत्ती कहाँ है। तो उस संरचना को हम कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं? थैलस। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जो है उभयचर कहा गया है। पादप जगत का क्या कहा गया है? उभयचर कहा गया है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। स्थल पर तो सामान्यतः पाए जाते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ऐसे पौधे आएंगे जिसमें जड़ तना पत्ती सामान्यतः हमें दिखाई देंगे, यानी कि उसमें पाए जाएंगे। हम उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। और इसमें अगर जड़ तना पत्ती सभी प्रकार की संरचनाएं हैं तो इसमें क्या होगा? संवहन उत्तक भी होगा। क्या होगा? संवहन उत्तक भी उपस्थित होंगे। अभी हमने बात की संवहन उत्तक की कि संवहन उत्तक क्या होते हैं। तो संवहन उत्तक क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल पहुंचाने का कार्य करेगा, फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीजधारी, जिसमें बीज बनेंगे और पुष्पोद्भिद यानी कि उसमें पुष्प का निर्माण यानी कि फूल का निर्माण भी होगा। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आवृत बीजी, जो कि हमारा लेसन का ही नाम है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा है अनावृत बीजी। अब हम देख लेते हैं कि आवृत बीजी क्या होता है। अगर आवृत बीजी हमने पढ़ लिए तो अनावृत बीजी वैसे ही समझ में आ जाएंगे कि अनावृत बीजी तो ये जस्ट इसका उल्टा है, आवृत बीजी। आवृत बीजी शब्द जो है उसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। आवृत बीजी शब्द का अर्थ है आवरण युक्त बीज। हम सभी जानते हैं कि जो पौधे हैं उनका निर्माण किससे होता है? सामान्यतः पौधे का जो निर्माण है वो बीज से होता है। बीज को हम बोते हैं, उससे नया प्लांट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आवृत बीजी शब्द का अर्थ है आवरण युक्त बीज, यानी कि बीज के चारों ओर क्या होगा? आवरण पाया जाएगा। आवृत यानी आवरण या आवृत ढका हुआ, और बीज यानी बीजी यानी बीज, यानी कि ऐसा बीज जो किसी आवरण से ढका होगा उसे क्या कहा जाएगा? आवृत बीजी पादप कहा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अनावृत बीजी, यानी कि ऐसे बीज या ऐसे पौधे जिनमें बीज जो है उसके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? अनावृत बीजी कहलाएंगे। देखिए अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी इसको किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी आप डेफिनेशन देंगे, तो हम देखते हैं कि पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। अब देखते हैं कि जो अंडाशय भित्ति है वो क्या है। हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि जो पौधा होता है उसमें देखिए दो शब्द ध्यान रखने हैं, बीजांड और अंडाशय। बीजांड और अंडाशय, जब हम स्त्रीधानी को पढ़ते हैं, नॉर्मली हम जब स्त्रीधानी को 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि स्त्रीधानी जो होती है उसमें इस प्रकार की संरचना होती है और इस प्रकार की, और ऊपर जो होता है ये जो पार्ट है वो वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका कहलाती है, और ये जो है नीचे का अंडाशय कहलाता है, और इसमें जो है बीजांड उपस्थित होता है। और पूछ लिया जाए कि बीजांड से किसका निर्माण होता है, तो बीजांड से होता है बीज का निर्माण, बीज का। और जो अंडाशय होता है उससे होता है फल का निर्माण। अंडाशय से क्या होगा? फल का निर्माण होगा। और बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। यानी कि ये जो बीज है वो किसके द्वारा ढका हुआ है? अंडाशय द्वारा ढका हुआ है। अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण। यानी कि इसका जो हम ये कह सकते हैं कि आवृत बीजी पादपों में फल का निर्माण होगा, फल बनेंगे, क्योंकि ये जो आवरण है वो किसका किसका बना हुआ है? अंडाशय का बना हुआ है। यानी हमने क्या पढ़ा कि ऐसे पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज जो होंगे, ये बीजांड या बीज जो है किसी आवरण द्वारा, और किस आवरण द्वारा? तो अंडाशय के आवरण द्वारा या अंडाशय भित्ति के द्वारा गिरे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पादप कहते हैं। अब इसके कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, किस 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 प्रकार के इसके कैरेक्टर्स होते हैं।
तो देखिए इसका जो लक्षण है, पहला कि मुख्य पौधा जो होगा वो बीजाणुद्भिद होगा। कैसा होगा? बीजाणुद्भिद होगा, जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होगा, यानी इसमें जड़ होगी, तना होगा और पत्तियां पाई जाएगी, उपस्थित होगी। नेक्स्ट है, उत्तक तंत्र पूर्णतया विकसित होंगे, उसमें जितने भी उत्तक तंत्र होंगे वो पूर्णतया पूरी तरह से उसमें विकसित प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाएंगे। पुष्प व फल का निर्माण होता है, पुष्प भी बनेंगे फल भी। अभी हमने क्या कहा कि ये जो बीज है अंडाशय द्वारा ढके होते हैं और अंडाशय से फल का निर्माण होगा, यानी इसमें फल भी बनेंगे और इसमें क्या हो गए, पुष्प भी बनेंगे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, आवृत बीज को हमने क्या कहा कि पुष्पोद्भिद। देखिए ये किस कैटेगरी में आ रहे, पुष्पोद्भिद, यानी इसमें पुष्प का निर्माण होगा, दोनों में ही होगा पुष्प का निर्माण, यानी इसमें पुष्प भी बनेंगे, यानी फूल भी बनेंगे और फल भी बनेंगे। नेक्स्ट है, बीज आवरण से ढके होते हैं, जो हम अभी हमने पढ़ा है कि बीज जो होंगे वो अंडाशय भित्ति या अंडाशय के द्वारा ढके रहेंगे। नेक्स्ट है, पुष्प प्राय द्विलिंगी होते हैं, जो इसके अंदर पुष्प होंगे वो द्विलिंगी होंगे, यानी इसमें दो जननांग पाए जाएंगे। कौन कौन से जननांग पाए जाएंगे? एक तो मादा जननांग होगा और एक नर जननांग होगा। मादा जननांग जिसे हम क्या कहेंगे, इसमें जायांग कहेंगे, और जो नर जननांग होगा उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे या पुमंग कहेंगे, ठीक है। और फिर उनसे बनेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। जो मादा युग्मक होगा वो तो क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, और नर युग्मक होगा वो पुमंग होगा, पुमंग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीज जो है वो फलों के अंदर होते हैं। बीज जो होंगे वो फलों के अंदर होंगे, यानी फल जो बीज है उसके चारों ओर जो है वो अंडाशय होगा। अंडाशय से हमने क्या पढ़ा कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो जैसे कि हम उदाहरण ले कि आम है, तो आम को हमने देखा है कि आम जो होता है उसकी गुठली जो होती है, आम का जो बीज होता है उसके चारों तरफ जो है वो एक रसीला पार्ट पाया जाता है ना, जिसे हम फल कहते हैं, तो ये होता है। नेक्स्ट हम तरबूज का उदाहरण ले ले, तो तरबूज के अंदर भी यही होता है कि जो फल है उसके बीच में जो है वो बीज पाए जाते हैं, तो बीज आवरण से ढके हुए होते हैं। बीज जो होंगे वो फल के अंदर होंगे, सॉरी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है वो एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म है या सबसे बड़ा जो आवृतबीजी पादप है वो कौन सा है, यूकेलिप्टिस। कौन सा है? यूकेलिप्टिस। इसकी जो अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, कितने बड़े होते हैं, तो ये होते हैं 100 मीटर, 100 मीटर के लगभग ये बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे छोटा जो आवृतबीजी है, सबसे छोटा आवृतबीजी वो कौन सा हो जाएगा, वूफिया। कौन सा हो जाएगा? वूफिया। और जिसकी जो लंबाई है या कितने बड़े हैं ये, तो 0.1 से 0.2 मिलीमीटर जो है ये इतने आकार के होते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं आवृतबीजी के कैरेक्टर्स की आवृतबीजी क्या क्या होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवृतबीजी किसे कहेंगे। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि आगे हमें इसके जनन के बारे में पढ़ना है कि आवृतबीजी पादपों में, क्योंकि नाम ही हमारा क्या है, आवृतबीजी पादपों में जनन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जनन के बारे में। अब हमें पढ़ना है आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पादपों में जनन को हमें स्टार्ट करना है, हमें पढ़ना है। तो उससे पहले हम जनन के बारे में जान लेते हैं कि जो जनन शब्द है उसका अर्थ क्या है, जनन की क्या परिभाषा हो सकती है। देखिए जनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है क्या। यहाँ एक परिभाषा लिखी गई है कि जीव के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं इसे कि जैसे मान लीजिए एक गाय है, उसके एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि फीमेल हम कह सकते हैं, उसके भी वापस एक जो छोटा बच्चा होता है वो भी एक गाय है, यानी फीमेल गाय है, फीमेल बच्चिया है, ठीक है। फिर वो बच्चिया जो है वो बड़ी होती है, फिर उसके वापस एक बच्चा होता है, ठीक है। तो यानी कि गाय के जो बच्चा हो रहा है वो उसी के समान है, गाय ही है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जीव है, यानी ये एक जीव है, उसने नया जीव उत्पन्न किया, नया जीव, और वो जो नया जीव उत्पन्न हुआ वो बिल्कुल कैसा है, उसी पहले जो उसकी माता है या उसका जो जिससे वो उत्पन्न हुआ है बिल्कुल उसी के जैसा है। यानी कि जीव के द्वारा अपने ही समान, इसी के समान जो है नया बच्चा पैदा हुआ है, तो अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना, नया जीव उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। देखिए जो जनन होता है उसमें दो जीव पार्ट लेते हैं, दो जीव जो है उसमें भाग लेंगे। कौन कौन? एक तो है जनक और दूसरा है संतति। क्या है? संतति।
अब यहाँ पर जनक क्या है और संतति क्या है? जनक उसे कहेंगे जो जन्म देगा, जो जन्म देगा, जन्म देगा, यानी कि जो जन्म दे रहा है वो तो क्या हो गया जनक, और जो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा है ना, जो जन्म लेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संतति। यानी कि यहाँ पर दो जीव भाग लेंगे जनन की प्रक्रिया में, एक होगा जनक, एक होगा संतति। जनक को पैतृक भी कहा जाता है। तो अब हमें पढ़ना है आवृत बीजी पादपों में जनन। हमने आवृत बीजी की परिभाषा पढ़ ली, आवृत बीजी के लक्षण पढ़ लिए, यानी कि हमारा वो आवृत बीजी क्लियर है। नेक्स्ट हमने जनन भी पढ़ लिया, यानी कि हमें पता है कि जनन क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है आवृत बीजी पादप में जनन। देखिए आवृत बीजी पादप में जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन है वो क्या है और अलैंगिक जनन है वो क्या है। हमें आवृत बीजी पादप में केवल अलैंगिक जनन ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो लैंगिक जनन है वो क्या है। देखिए लैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा जनन है जिसमें दो युग्मक है वो आपस में मिलेंगे। दो युग्मक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा नर युग्मक, नर युग्मक, और एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? संलयन, संलयन। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन, या हम इसे कह सकते हैं निषेचन, निषेचन, निषेचन कहा जाता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो आपस में जब संलयन होता है उनका, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। और निषेचन से जो है वो नया जीव बनता है, आगे जाकर भ्रूण, भ्रूण के बाद में नया जीव बनता है। तो जो लैंगिक जनन जो है उसमें क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे, यानी उनका निषेचन होगा, और उस निषेचन के बाद नया जीव उत्पन्न होगा। जो अलैंगिक जनन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर युग्मक का निर्माण भी हो रहा था, लैंगिक जनन में युग्मक भी बन रहे थे, और उन युग्मकों का निषेचन भी हो रहा था, उन युग्मकों का संलयन भी हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर युग्मक निर्माण नहीं होंगे। अगर युग्मक निर्माण ही नहीं हो रहे, ये युग्मक बन ही नहीं रहे हैं, तो इनका निषेचन भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर इनका संलयन भी नहीं होगा। संलयन जैसी या निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होगी। इस जनन को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए जो युग्मक बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन। कितने प्रकार का होता है कोशिका में? दो प्रकार का होता है सामान्यतः, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो जो समसूत्री विभाजन है उसके द्वारा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो गई नहीं, इसका अर्थ है कि युग्मक नहीं बनेंगे। युग्मक नहीं बनेंगे तो इसका अर्थ है निषेचन भी नहीं होगा, संलयन की क्रिया भी नहीं होगी। इसी जनन को हम कहते हैं असंग जनन, असंग जनन। ये कैसा होता है? ये एक जनकीय होता है। कैसा होगा? एक जनकीय होगा। लैंगिक जनन में दो जनक होंगे, दो जनक होंगे, दोनों के जनक जो, दोनों जनक जो है वो युग्मक का निर्माण करेंगे, एक मादा युग्मक एक नर युग्मक। लेकिन इसमें एक ही जनक होगा, एक ही जनक से नया पौधा बनेगा, नया पौधा या नया जीव उत्पन्न होगा। हमने अभी पढ़ा कि जो जनन है उसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक तो होता है दो जीव पार्ट लेते हैं इसमें लैंगिक जनन में, है ना। एक तो होगी नर और एक होगा मादा। लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसमें ना तो नर होगा ना मादा, एक ही जीव होगा, एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होगा। अब देखते हैं कि क्लोन, एक शब्द आया है क्लोन, यानी क्लोन का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो देखिए क्लोन क्या है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। संतति का भी हमने शब्द पढ़ा कि संतति क्या का अर्थ क्या होता है? जो जन्म लेता है, जो जन्म लेने वाली जो जीव है, यानी संतति जो है वो क्रियात्मक रूप से और अनुवांशिक रूप से कैसी होगी? जनक के समान होगी। अगर हम एक पादप का उदाहरण ले कि एक पादप है, तो इस पादप से बीज बनेगा और बीज से वापस नया पौधा बनेगा, तो ये बिल्कुल जो है इसी पादप के समान होता है। यानी क्लोन
क्या है कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होगी वो बिल्कुल अपने पैतृक के समान, यानी अपने जो माता पिता है या अपने पेरेंटल है, या तो माता होगी या पिता होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ एक जीव होगा, तो बिल्कुल उसके जनक के समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन। और किस रूप में, क्रियात्मक और अनुवांशिक रूप से वो बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन क्या है, या अलैंगिक जनन जो है सॉरी कितने प्रकार का है। अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया है, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वो कितने प्रकार का है। तो देखिए अलैंगिक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले बात करते हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक शब्द का अर्थ क्या है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो निषेचन है, निषेचन का अर्थ क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और उस जो जुड़ने को है उस संरचना को हम क्या कहते हैं, यानी कि वो जो जुड़ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीज बनेंगे वो बिना निषेचन के बनेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा की, अनिषेक बीजता क्या होती है। तो देखिए वह जनन जिसमें पादप का विकास बीज से होता है। देखिए जो नया पादप बनेगा, हम पढ़ते हैं जैसे कि मान लीजिए कि ये पादप है, तो इसका जो विकास हुआ है वो तो किससे हुआ, बीज को बोने से, यानी बीज से ही हुआ है, बीज से ही नया पादप बना है। लेकिन ये जो बीज है वो किससे नहीं बना है, निषेचन से नहीं बना है, बीज से होता है, लेकिन बीज के निर्माण में निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। हमने क्या पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं, फिर आगे बीज का निर्माण होता है। लेकिन ये जो बीज है वो बिना निषेचन के बनेगा, यहाँ पर नर युग्मक या मादा युग्मक आपस में संलयित नहीं होंगे और इसमें निषेचन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो बिना निषेचन के जो है वो बीज बनेगा, और बिना निषेचन के बीज बनेगा और इसी बीज से जो है वो नया प्लांट बनेगा। अब पढ़ते हैं कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, हमें इसमें कायिक जनन को ही पढ़ना है। तो कायिक जनन क्या होता है, देखिए बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। हम सामान्यतः ये देखते हैं कि जो नया पौधा है हमें उगाना है, तो हम क्या करते हैं, बीज लेते हैं, उसे बोते हैं और उससे नया पादप उग जाता है। लेकिन जो कायिक जनन है वो क्या होता है, देखिए कायिक जनन में क्या होगा कि कायिक जनन में बीज से पौधा नहीं बनेगा, बीज के अलावा पौधे के जितने भी पार्ट है, जैसे कि तना हो गया, पत्ती होगी, जड़ हो गया, तो इनसे जो है वो नया पादप बनेगा। किस तरह से बनेगा वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि जो कायिक जनन है उसके लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग, जैसे कि जड़ होगी, तना हो गया, पत्ती हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रवर्ध, यानी कि कायिक जनन के लिए जो भी उपयोग में लिए जाने वाले जितने भी अंग होंगे, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रवर्ध कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायिक जनन, यानी कायिक जनन जो है वो भी दो प्रकार से हो सकता है। कौन सा, एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी जिसे हम कह सकते हैं। तो अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो चलिए अब हम इसमें कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन की हमने बात की कि जो कायिक जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। और कायिक जनन क्या होता है कि बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गई, पत्ती हो गया, तो इससे नए पौधे का बनना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और ये हमने पढ़ा कि दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब ये है कि उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, पौधे का जो निर्माण होगा, नया जो पौधा बनेगा वो प्रकृति में ही होगा, प्रकृति के द्वारा ही होगा। देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमें जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है तने के द्वारा, क्योंकि हमने पढ़ा कि बीज के अलावा जितने भी इसके कायिक भाग होंगे उनसे इसका पौधे का निर्माण होगा, नया पौधा बनेगा। तने के अंदर सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रकंद। क्या पढ़ते हैं, प्रकंद। प्रकंद क्या होता है, देखते हैं कि प्रकंद क्या है। यह एक अनियमित आकार का भूमिगत मांसल तना है जो शान होता है। देखिए अनियमित यानी इसके कोई आकार नहीं होगा, कोई आकृति नहीं होगी, यानी कि ये भूमि के निचले भाग में होगा, यानी इस तरह से भूमि के निचले भाग में होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और मांसल तना है जो शान होता है। शान का मतलब फ्लैट, बिल्कुल इस तरह से जमीन के नीचे होगा, ये शान अवस्था में होगा ये।
और इससे जो है वो अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इससे किस प्रकार की जड़ें निकलेगी? अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो अदरक, अदरक है, हल्दी है, आपने अदरक और हल्दी को देखा होगा जो इस प्रकार से शान अवस्था में, यानी कि मांसल भाग होता है, ये अनियमित आकार का तना होता है, ये हम ये कह रहे हैं कि तना जो अदरक है और हल्दी जो है वो किससे बनते हैं? तने से, यानी तने से इनका निर्माण होता है। और ये तना कैसा होता है? अनियमित आकार का, यानी इसकी कोई आकृति नहीं होगी, ये फ्लैट होगा बिल्कुल, और भूमिगत भाग मतलब यानी कि भूमि के अंदर ये होगा, भूमि के अंदर से इसका निर्माण होगा नए पौधे का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंद। कंद क्या होता है? देखिए कंद है भूमिगत तने की शाखाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित होने से, यानी कि कोई भूमिगत यानी भूमि के नीचे तना है उसमें क्या हो जाता है? खाद्य पदार्थ जो भोजन है उसमें संग्रहित इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से वो कैसा हो जाता है? थोड़ा मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। संग्रहित होने से ये फूल कर ये मोटा हो जाता है, यानी गोल हो जाता है, ये अंडाकार गोल, या हम कह सकते हैं हमारी भाषा में मोटा हो जाता है, गोल हो जाता है, जिससे कलिका निकलती है और इसे आंख कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका आलू। आलू हमने आलू को देखा है, आलू के ऊपर इस प्रकार से एक व्हाइट संरचना होती है, सफेद संरचना होती है, जिसे हम आंख कहते हैं। ये इस प्रकार की कलिका निकलती है, और इस आलू का यानी ये जो आलू देखा है हमने कि ये फूला हुआ भाग रहता है। फूला हुआ क्यों रहता है? उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च, हमें पता है कि इसमें स्टार्च होता है, यानी भोज्य पदार्थ जो है वो उसमें इकट्ठा होता जाता है, भरपूर मात्रा में उसमें स्टार्च होता है, तो वो इकट्ठा होता जाता है और इसलिए वो फूल कर गोल हो जाता है या अंडाकार आकृति का हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। नेक्स्ट हम देखते हैं घनकंद। क्या है घनकंद? घनकंद क्या होता है? ये एक प्रकंद, प्रकंद हमने जो पढ़ लिया है ऊपर क्या होता है, इसी का एक रूपांतरण रूप है, जिसमें खाद्य पदार्थ का संग्रहण होने पर, यानी इसमें भी क्या होगा, खाद्य पदार्थ जो है वो संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, लंबाई जो है यानी तने की लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई तो हो जाएगी कम और लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और इसका अगर एग्जाम्पल पढ़े तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अरबी। देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कंद के द्वारा किस पौधे का निर्माण होता है, यानी कंद क्या है, एक तना है, या आलू में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, किसके द्वारा जनन होता है, तो ये तो हमें पता है कि तने के द्वारा, लेकिन तना भी कौन सा, कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है, कौन सा तना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शल्ककंद। शल्ककंद क्या होता है? इसका जो स्तंभ होता है, यानी कि जो स्तंभ तना जो होगा, ऊपरी भाग का जो स्तंभ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, आकार में छोटा होगा ये, और जिसके निचले भाग से अपस्थानी कलिकाएं जो है वो निकली रहती है। अपस्थानी कलिकाएं जो है वो समूह के रूप में निकली होती है, इस तरह से एक समूह बनाती है, इसका गुच्छा बनाती है, एक इसमें निकली रहती है, और जो पर्व संध्या होती है वो पास पास आ जाती है, जितनी भी पर्व संध्या होगी वो सब इकट्ठी होकर क्या बनाएगी, शल्ककंद बनाएगी। नेक्स्ट हम इसका उदाहरण देखते हैं कि शल्ककंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्याज और लहसुन जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी क्या होता है? देखिए जैसे कि हमने घास देखी है, तो घास में क्या होता है, जो घास का जो तना होता है वो भूमि के बिल्कुल पास में इस तरह से रेंगता हुआ चलता है, और इससे नीचे की तरफ जो है वो जड़ें निकलती है, और इस तरह से ऊपर उसकी पत्तियां निकली होती है इस तरह से, ये तो यानी कि इसमें क्या होगा, जो इसका तना होगा वो भूमि के समांतर चलेगा, बिल्कुल समांतर, यानी इसके जो है वो टच होता हुआ समांतर होता हुआ आगे बढ़ेगा, और इससे नीचे की तरफ क्या निकलेगी, जड़ें निकलेगी, और ऊपर जो है इसकी पत्तियां निकलेगी, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं घास। नेक्स्ट है भूस्तारी। देखिए भूस्तारी और इसका उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। भूस्तारी क्या होता है, ये जो तना होगा वो भूमि के, जैसे कि यहाँ पर इसकी जड़ें होगी और यहाँ पर जो पौधा होगा वो वहां से इसका जो तना होगा वो कुछ ऊपर उठकर आगे जाकर वापस एक नया पौधा बना देगा, इस तरह से एक नया पौधा बना देगा, यानी कि यहाँ पर पौधा जो होगा उसका जो तना होगा वो थोड़ा सा भूमि से ऊपर उठकर आगे जाकर फिर से एक नया पौधा बना देगा, और इसका उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है अंतः भूस्तारी। देखिए अंतः यानी अंदर की ओर है ना, और भूस्तारी यानी भूमि के अंदर की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भूमि है उसके अंदर की ओर तना जो है वो रेंग कर चलेगा और आगे जाकर एक नया पौधा बना देगा। जिस प्रकार से यहाँ पर एक पौधा है उसका तना भूमि के बिल्कुल समांतर चलेगा अंदर की ओर, और वो आगे जाकर एक वापस फिर से क्या बना देगा, एक नया पौधा बना देगा। तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा पुदीना।
क्या हो जाएगा? पुदीना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया। देखिए जो जड़ें होंगी उसमें क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो भूमिगत भाग में है और इन जड़ों से एक नया प्ररोह निकलेगा और उस नए प्ररोह से क्या होगा, नए पादप का निर्माण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा, जो पत्तियां होती है उससे किस प्रकार से नया पादप उगता है। तो देखिए कि जो पत्तियां होगी वो पत्ती टूटकर भूमि पर गिरेगी तथा उस पत्ती से, देखिए जो उस वो जो पत्ती है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफिलम, तो उस पत्ती की जो किनारा होगा, जो किनारा है वहीं से एक नए पादप का निर्माण होगा। और जो बिगोनिया है उसमें भी इसी प्रकार से पत्ती के द्वारा जो है वो नए पादप का निर्माण होगा, नया पादप उससे विकसित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जननांगों द्वारा। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जननांग में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिका उत्पन्न होगी और इसी के द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा। इसका एग्जांपल हम देखें तो रामवास, रतालू आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। देखिए आज जो है हमने कृत्रिम विधियां जो है कंप्लीट की है। कल की क्लास में हम प्राकृतिक विधियों को पढ़ेंगे। तब तक अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे क्लासेस से। थैंक यू।